हेलो फ्रेंड्स, मैं वास्तव फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498A के बारे में जो कुछ एक नया जजमेंट पास किया है, इसमें राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 15 सितंबर को, उसके बारे में मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। लोगों में काफ़ी पैनिकिंग सिचुएशन लग रहा है जो नए विक्टिम्स हैं उसमें, और मीडिया भी कुछ ट्विस्टेड स्टोरी बता रहा है। कुछ को बोल रहा है, कहीं कहीं पे बोल रहा है कि इसमें 498A में अरेस्ट चालू हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। प्रोपेगेंडा जो फैला रहा है वो सब करेक्ट नहीं है, तो उसके बारे में मैं एकदम लीगल एस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आप थोड़ा ध्यान से सुने, और उसको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, और बाकी डिटेल हमारे ग्रुप मीटिंग्स में आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा लोगों को बात करते रहता हूँ बीच बीच में, तो ऐसा कुछ पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। हम जो 498A में जो इलीगल अरेस्ट होते थे उसके बारे में जो मेन जो तीन जजमेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जजमेंट तो जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किया 15 सितंबर को, अभी एक दिन पहले, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, दो दिन पहले जो हुआ है उसका। और उसके बाद फिर हम लोग जो ओरिजिनल ऑर्डर, राजेश शर्मा का जो ओरिजिनल ऑर्डर था 2017 में पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो वाला भी एक जजमेंट है जो अभी हमारे फेवर में है, उसको किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया किसी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2014 में पास हुआ था अर्नेश कुमार का जजमेंट। ये जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर हुआ, चलिए अभी मैं शुरू से चालू करता हूँ। अभी जो रिसेंट ऑर्डर हुआ है वो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर अर्नेश कुमार का जजमेंट के बारे में बात करेंगे। पैनिक होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, जैसे हम लोग 2014 के बाद जो रिलीफ मिला था उसके बाद जो पोजीशन में थे वैसे ही है। हमको ना ज्यादा खुश होने की जरूरत है ना ज्यादा दुखी मनाने की जरूरत है। फेमिनिस्ट लोग खुद कन्फ्यूज हैं कि हमको खुश होना है कि दुखी मनाना, दुख मनाना उनको समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही सिचुएशन हमारे लिए भी है, ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं। मीडिया में जो भी रिपोर्ट्स आ रहा है वो गलत है। तो इसमें मॉडिफिकेशन में क्या क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे क्या था, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी था बीच में, जो कंप्लेंट होने के बाद में फैमिली वेलफेयर कमेटी के बाद में आपका कंप्लेंट जाएगा, तो वो अरेंजमेंट जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निकाल दिया है, उसको स्क्रैप कर दिया है। फैमिली वेलफेयर कमेटी जैसी अभी कोई भी कमेटी नहीं रहेगी। दूसरा, उसमें राजेश शर्मा के पुराने वाले ऑर्डर में ऐसा था कि उसको डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही उसको केस को देखेगा, ऐसा कि कोई डेजिग्नेटेड पर्सन रहेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम पुलिस, वही देखेगा सर के था, तो वो प्रोविजन भी निकाल दिया है। उसके बदले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आईपीसी 498A से रिलेटेड केसेस देखता है उसका रिगरस ट्रेनिंग होना चाहिए। ऐसा के सभी स्टेट गवर्नमेंट और डीजीपी को जो है डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उनका रिगरस ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फैमिली रिलेटेड मैटर्स होते हैं और उसका रिगरस ट्रेनिंग इसलिए जरूरत है क्योंकि जनरली देखा गया कि आईओ जो है एकदम अंधाधुंध तरीके से काम करते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता। जो न्यूज़पेपर में जो मीडिया में जो रिपोर्ट आता है उसी को उन लोग ऑर्डर मानते हैं। मीडिया में जो रिपोर्ट आ रहा है ट्विस्टेड रिपोर्ट है, अरेस्ट वरेस्ट जैसी कोई बात नहीं है, हम लोग एकदम कंफर्टेबल पोजिशन में है। तो उसके लिए रिगरस ट्रेनिंग की जरूरत है और देना है सर के सभी डीजीपी को ऑर्डर किया है और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद फिर एक और चीज किया है, जो क्वेश्चनिंग पावर दिया था या केस को क्लोज करने का जो पावर दिया था पहले वाले ऑर्डर में, जो ओरिजिनल ऑर्डर था राजेश शर्मा वाले जजमेंट में, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ऑर्डर दिया था कि केस को डिस्पोज कर सकता है 498, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है। वो बोलता है कि आपको अगर आपको केस को क्लोज कराना है तो आपको क्वेश पिटिशन ही फाइल करना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग ही करना पड़ेगा अंडर सीआरपीसी 482, और वो हाईकोर्ट से ही होता है क्वेश्चनिंग जो होता है वो हाईकोर्ट से ही होता है, तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास नहीं होगा तो हम लोग हाईकोर्ट के पास क्वेश्चन करवा सकते हैं, जैसे अभी तक बहुत सारे केसेस होते हैं। उसके बाद फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर, इसमें एक और प्रोविजन रखा है कि जो आप बेल एप्लीकेशन आप जब फाइल करोगे तो वो सेम डे आपका हियरिंग होना चाहिए उसका, जैसे आपने बेल फाइल किया उसका सेम डे हियरिंग होना चाहिए। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा है कि डाउरी आइटम्स, जनरली एलिगेशन रहता है कि हमने डाउरी दिया इतना लाख इतना करोड़ डाउरी दिया, इतना गोल्ड दिया, इतना सिल्वर दिया, और वो हस्बैंड के पास है इसलिए इसको बेल नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रोसिक्यूशन भी बोलता है। और हमारी जो स्टैंड्स वाइफ जो रहती हैं
जो ऐसे झूठे केसेस लगाती हैं वो भी ऐसे ही बोलती हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिकवरी ऑफ डाउरी आइटम्स जो है ऐसा कोई कड़ी रीजन नहीं रहेगा या ऐसा कोई कोई खास रीजन नहीं रहेगा कि हम उसके लिए बेल को डिनाई करें। पहले बीच बीच में कुछ हाई कोर्ट्स ने ऐसा ऑर्डर निकाला कि रिकवरी करना है इसमें डाउरी आर्टिकल्स का, इसीलिए बेल नहीं मिलेगा, इसको अरेस्ट करके ही रखो, ऐसा कि कुछ हाई कोर्ट्स ने ऐसा बेकार ऑर्डर पास किया था। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिकवरी ऑफ डाउरी आइटम्स ऐसा कुछ प्रोविजन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिकवरी ऑफ डाउरी आइटम्स जो है वो कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद फिर जो हमारे एनआरआई फ्रेंड्स हैं और जो जनरली अब्रॉड वगैरह जाते हैं, तो उसके लिए पहले पुलिस और कुछ हाई कोर्ट्स उनके अगेंस्ट में रेड कॉर्नर नोटिस निकालती थी, पुलिस जो है रेड कॉर्नर नोटिस निकालती थी और उनका पासपोर्ट इम्पाउंड करती थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा आरसीएन या इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट की जरूरत नहीं है सर के। उसके बाद फिर क्लबिंग ऑफ ऑल कनेक्टेड केसेस बाय डिस्ट्रिक्ट जज, ये प्रोविजन अभी भी बरकरार है। तो अगर हम क्लब करवाना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज को एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा लोगों को बताते रहता हूं। अच्छा, एग्जेम्पशन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था एग्जेम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, जो बोला था ओरिजिनल ऑर्डर में राजेश शर्मा वाले जजमेंट में, उसमें बोला था कि किसी मतलब सीनियर सिटीजन या डिस्टेंस वाले पर्सन को अपीयर होने की जरूरत नहीं है पुलिस के पास में या कोर्ट में, इस टाइप का कुछ प्रोविजन था, तो उसको भी निकाल दिया। उसने बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा करके बोला था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी को इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को बात करना है तो वो कर लेना है सर के बोला था पहले वाले ऑर्डर में, लेकिन उसको अभी निकाल दिया। अगर किसी को एग्जेम्पशन चाहिए पर्सनल अपीयरेंस में तो सीआरपीसी 205 या सीआरपीसी 317 में आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन पर्सन है या कोई हाई प्रोफाइल का पर्सन है जिसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, इस टाइप के जो केसेस रहते हैं, तो उस केस में हम सीआरपीसी 205 तो रेगुलरली हम लोग बताते रहते हैं कि सीआरपीसी 205 का प्रोविजन है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपका लीगल राइट्स है, पर्सनल एग्जेम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस वाला एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस जो है वो प्रोविजन सीआरपीसी 205 आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, सिस्टर्स के लिए या फिर और भी जो दूसरे रिलेटिव हैं उनके लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई बाउंडी नहीं है कि आप हस्बैंड है तो आप नहीं, आपको नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन। उसके बाद फिर इसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें ये 498 लॉ मिसयूज के बारे में जो बहुत सारे जजमेंट्स हैं हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 3 जजेस के बेंच वाले ने भी ये चीज एक्सेप्ट किया है कि ये इसका मिसयूज हो रहा है, डाउरी हरासमेंट सेक्शन जो बोलते हैं हम लोग जनरली और मीडिया बोलती है आईपीसी 498A का, उसका ग्रॉसली मिसयूज हो रहा है करके ये वाले जजमेंट में भी बोला है। तो 3 जजेस के बेंच ने ये चीज को सपोर्ट किया है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। उसके बाद फिर अर्नेश कुमार का जो जजमेंट है वो हमारे लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभी भी वैलिड है, सीआरपीसी 41A का नोटिस देना है अगर किसी को पुलिस को बुलाना है किसी एक पर्सन को, तो उसको सीआरपीसी 41A का नोटिस देना है सीआरपीसी 41A के हिसाब से, तो वो प्रोविजन हमारे पास है, कोई ब्लाइंड अरेस्ट नहीं होने वाला, किसी को कुछ होने वाला नहीं। अब ये तो मॉडिफिकेशन की बात होगी, अभी ओरिजिनल ऑर्डर के बारे में मैंने सब साथ में मिला के बता दिया कि क्या क्या करना है आपको, ऐसा के पर्सनल अपीयरेंस वगैरह सब कवर कर लिया मैंने। तो ओरिजिनल ऑर्डर और मॉडिफिकेशन वाला जो हमारे पास जो दोनों को मिला के जो फाइनल रिलीफ है वो मैंने बता दिया। अभी मैं अर्नेश कुमार का जो जजमेंट पास हुआ था क्रिमिनल अपील में, क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट से जो पास हुआ था उसके बारे में मैं बता देता हूं। ये 2014 में पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो अभी भी हमारे पास वैलिड है, वो उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें जो हमको रिलीफ मिला है वो अभी भी वैलिड है, उसमें कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग पुलिस को प्रॉपरली हम लोग अवेयरनेस कंपेन चला सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। तो उसमें क्या क्या प्रोविजन था वो भी मैं बता देता हूं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पुलिस को किसी को बुलाना है तो उसको सीआरपीसी 41 फॉलो करते हुए उसको नोटिस इशू करना पड़ेगा और ब्लाइंड अरेस्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक अरेस्ट, जैसे पहले जमाने में हस्बैंड्स को और उसकी फैमिली को टेररिस्ट के जैसे लोग रात को 2 बजे जाके अरेस्ट करते थे और जनरली फ्राइडे को अरेस्ट होता था और सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहता है तो इसको बेल भी मत मिल पाया, ऐसा टाइप का जो अरेस्ट होता था, वो जो ब्लाइंड अरेस्ट होता था वो सब अरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, अभी भी हमारे पास वो प्रोविजन है। उसके बाद फिर एक और पॉइंट था यहाँ पे, अगर
किसी को आपको अरेस्ट करना, पुलिस को अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाने के लिए बोला था। उसको उस वो चेकलिस्ट को फिलअप करके उसमें रीजन आपको फर्निश करना है, पुलिस ऑफिसर को रीजन फर्निश करना है चेकलिस्ट फिलअप करके, और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना है, ठीक है। तो ये वाला प्रोविजन भी है अर्नेश कुमार के जजमेंट में, तो उसमें भी ऐसा कुछ अरेस्ट नहीं होगा उसके, ये भी हमारे लिए सेफ गार्ड करेगा अरेस्ट से। उसके बाद फिर क्या बोलता है, डिसीजन नॉट टू अरेस्ट, ऐसा कुछ होता है मतलब अरेस्ट नहीं करना है, तो वो केस भी आपको पुलिस डिपार्टमेंट को मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है। फिर नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ 41A ऑफ CRPC, ये जैसे ही आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट रजिस्टर होता है 498A में, तो पुलिस को नेसेसरी नोटिस इशू करना है। ऐसे ब्लाइंड FIR नहीं करेगा, ब्लाइंड अरेस्ट नहीं करेगा, CRPC 41A में प्रोविजन है, ठीक है, और उसको नोटिस इशू करना है। ऐसा फोन करके जो हरासमेंट करती है पुलिस वो सब अलाउड नहीं है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है नोटिस देना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो ऊपर जो डायरेक्शन दिए है सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वाले जजमेंट में, उसमें अगर पुलिस डिपार्टमेंट या कोई पुलिस ऑफिसर इसमें इसको अगर कंप्लाई नहीं करती, इसमें कंप्लाई करने के लिए फेल होती है, तो उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके डिपार्टमेंटल एक्शन तो होगा ही, साथ में उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक्शन होगा ऐसा बोला है, ठीक है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि ये अर्नेश कुमार का जजमेंट अभी हमारे लिए वैलिड है। उसके बाद फिर जो है, हाँ, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को परमिशन लेना पड़ेगा, सर के बोल रहा है इसमें, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद में अगर मजिस्ट्रेट भी ऐसा ब्लाइंडली कुछ परमिशन देता है तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, हाई कोर्ट को डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है उसके बारे में। तो ये सब प्रोविजन है, तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, सब कुछ हमारे फेवर में है, कुछ बिगड़ा नहीं है, और ये ऑर्डर को हो सकता है आगे जो है बहुत सारी एजेंसीज और MRA ग्रुप्स हैं, ये कुछ कर सकते हैं इसमें, उसको चैलेंज वैलेंज कर सकते हैं जो भी है। तो अभी हमको कुछ घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग पहले जो सिचुएशन था 1.5 साल पहले उसी स्टेज में है, काफी रिलीफ है अर्नेश कुमार जजमेंट के बाद में हम लोगों को जो ब्लाइंड अरेस्ट होने वाला था होना रहता है वो नहीं होगा। इस बारे में अगर आप लोगों को किसी को भी कंफ्यूजन है तो मेन्स हेल्पलाइन पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नया व्यक्ति।